चाहिए कि हमें अपने देश के लिए हम उनमें देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। हम निरंतर देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे देश में देशभक्ति की भावना घटती जा रही है। पीपल आर बॉदर्ड अबाउट देयर बिजनेस, पीपल आर बॉदर्ड अबाउट अर्निंग मनी, बट नो वन थिंक्स अबाउट द नेशन। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, लेकिन अभी भी हमारे में से बहुत से लोग हैं जो कार में से अपना कचरा बाहर फेंक देते हैं और आते जाते सड़क के ऊपर कचरा फेंक देते हैं या अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमारे में देशभक्ति की भावना कम है। अगर कभी हमें मौका मिले विदेश में जाने का, हमें वहां देखने को मिलता है कि लोग अपने देश को कितना प्यार करते हैं और अपने देश के लिए क्या क्या करने को तैयार रहते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है। हमें भी अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत रखना है, उनको देश के बारे में बताना है। जो हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हमारे शहर में भी लगी हुई हैं, आप अगर वहां से गुजर रहे हैं बच्चे को कहिए कि बेटा हाथ जोड़ो, ये इन महापुरुष की मूर्ति है, इन्होंने हमारे देश के लिए ये कार्य किया। आप उनको जितना आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे उनकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। अपने बच्चों के जो क्वेश्चन उनके छोटे छोटे होते हैं उनको हमेशा आप कोशिश कीजिए आंसर करने के लिए। आप जो बच्चों को उत्तर देंगे उससे बच्चे की जागरूकता भी बढ़ती जाएगी। अगर आप उसको स्नब कर देंगे, नहीं चुप रहो कुछ ना कहो, तो बच्चे की नॉलेज घटती जाएगी, नहीं बढ़ेगी। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप भी बच्चों को इस प्रकार से नॉलेज देते रहे, इस प्रकार से समझाते रहे कि उनका पूर्ण विकास हो। अभी हमने अपने पूरे प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट को, जो हमारे करीब 1100 बच्चे हैं, 1100 बच्चों को हमने एक एक सैपलिंग एक एक पौधा हमने अभी बच्चों को दिया था। आप सभी जानते हैं, आपके घर में बच्चे लेके आए होंगे, और बच्चों के अंदर एक बड़ी अच्छी भावना होती है, पर्टिकुलरली ये जो छोटे बच्चे हैं, इनको लगता है कि देखो मेरे को एक पौधा दिया, मैंने ये पेड़ लगाना है। और बच्चों ने लगाया भी, आपके सहयोग से आपने लगवाया और आपने उनकी फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप पे भी भेजी, बहुत अच्छा लगा हमें, आपने पूरा सहयोग दिया। अब आप कृपया ये भी ध्यान रखिए कि वो बच्चा उस पेड़ की देखभाल भी करे, उसको पानी भी दे। अगर आपने पड़ोस में कहीं लगाया, अपने घर के बाहर लगाया है, पार्क में कहीं लगाया है, तो बच्चे को आप कहो कि बेटा आपने इसको लगाया, आपने इसको पानी देना है, इसका ध्यान रखना है कि ये अच्छा पेड़ बने। और आप देखिए 2.5 साल के बच्चे ने या 3 साल के बच्चे ने अगर उस पेड़ को लगाया है, जब तक वो 12th करके स्कूल से निकलेगा वो पेड़ भी बहुत बड़ा हो चुका होगा, छाया दे रहा होगा, किसी को ऑक्सीजन मिल रही होगी, लोगों को कितना अच्छा बच्चे को भी लगेगा। तो आपसे अनुरोध है कि उस पेड़ का आप जरूर ध्यान रखिए और अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, आप खुद भी लगाइए, पॉलिथीन का प्रयोग कम से कम कीजिए। ये हमारा ही वातावरण है, अगर हम इसकी पूरी देखभाल करेंगे तो हम ही सुखी रहेंगे, हमारे आगे आने वाली जनरेशन सुखी रहेंगी। तो मैं आपसे यही आज अपने मन की बात कहना चाह रहा था। और एक बार पुनः मैं हमारे पूरे लिटिलेंजिंस परिवार को, सभी डिपार्टमेंट्स को, हर आदमी को, चाहे वो कंडक्टर है, चाहे पीएन है, चाहे इलेक्ट्रिशियन है, चाहे इवेंट मैनेजर है और सारी उनकी टीम है, उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सफल आयोजन आज यहाँ पर किया है। और मुझे आशा है इसी प्रकार आगे भी निरंतर करते रहेंगे। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आज सिल्वर जुबली हमारा साल चल रहा है, 25 साल हो गए हैं स्कूल को और हम 25वें साल में ऐसे आयोजनों का आनंद उठा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं एक रीजन बनूं, एक कारण बनूं अपने लिटिल एंजल्स परिवार की खुशी का और उनके चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, ईश्वर की हम सब पर कृपा बनी रहे। मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि अपने पूरे सहयोग से आप भी हमारे लिटिल एंजल्स परिवार के सदस्य हैं और आप भी कोशिश कीजिए कि हम एक दूसरे के
खुशी के लिए, एक दूसरे की स्माइल के लिए, हैप्पीनेस के लिए हम कारण बने। बहुत छोटी सी जिंदगी है हम सभी की, अगर हम इसमें खुशियां बांटेंगे तो हम सफल रहेंगे और आनंद से अपने जीवन को जिएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, तरक्की करते रहें। जय हिंद, जय भारत। I invite Mr. Utsav Chandra ji and Ms. Shalini Chandra ji to kindly come on the stage and receive token of remembrance, please. Thank you all. रोते अधरों पर मुस्कान खिला देने से मुस्कान मेरे चेहरे पर भी खिल जाती है। थके मुसाफिर को आश्रय दे देने से थकान मेरी भी मिट जाती है। प्यासे को पानी, भूखे को भोजन देकर मेरे मन की तृष्णा भी मिट जाती है। खुशियों से दूजों की झोली भरकर मेरी खुशियों की गागर भी भर जाती है। दिल जो सहमे हैं उनमें विश्वास की जोत जलाने से मेरे मन में साहस की नदियां सी बह जाती हैं। तूफान में नाविक को निज पतवार थमा देने से मेरे जीवन की नौका भी सागर सी तर जाती है। It is such a joy to feel really happy. Your heart sings, your feet dance, your mind sways in the wind. The world is light, you float on a breeze. Every note is sung with the voice of contentment. So, ladies and gentlemen, may the excitement of today enthuse you, may its enchantment surround you, and may the time that we share create happy and smiling magical moments. May the magical moments be many and memorable. Give a big round of applause for the grand finale.
Thank you, kids. Thank you, parents. Thank you, everyone. Good day.